रुको क्या हो रहा है यार, रुको इसको पकड़ो, ये फोटो खींचो इसका, तुम चल जाओगे अभी, ए लल्ला तुम चल जाओगे, इसका फोटो खींचो। एक पत्रकार को हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब बात अपनी आबरू की हो, वहाँ मेरे कपड़े फट जाते हैं, बात मेरी आबरू की होगी तो मैं फूलन बनने पे ही मजबूर होंगी, कोई मेरे से लात की भाषा समझेगा तो मैं लात की भाषा ही समझाऊंगी। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त जिस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं और जिस तरीके के माहौल में पत्रकारों की जो स्थिति है उस पर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं। मीडिया को भी दो तबकों में बांट दिया गया है, आए दिन ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जब लोग गोदी मीडिया को बॉयकॉट करते रहते हैं और उन्हें जवाब देने से बचते हैं। लेकिन इसके उलट एक और तस्वीर है जो ज़्यादातर आप तक नहीं पहुंच पाती, उन पत्रकारों की जो फ्रीलांसिंग करते हैं या जो स्वतंत्र होकर आपको सच्चाई से रूबरू कराने की हिमाकत करते हैं, जज्बा रखते हैं, उन्हें भी अक्सर इन परेशानियों से कुछ अलग तरीके की जो जिल्लतें होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। और उस बीच में किस तरीके से उन चुनौतियों से वो आगे बढ़कर अपना काम करते हैं और आप तक सच्ची खबरें लेकर आते हैं, ये अपने आप में बेहद एक बड़ी बात है, बेहद काबिल तारीफ बात है। और मेरे साथ इस वक्त निधि रतन है, नेशनल दस्तक में काम करती हैं, और इनके साथ बीते दिनों जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो कुछ भी मैंने कहा उसके पीछे की भूमिका इनके लिए थी। अभी रतनलाल, प्रोफेसर रतनलाल जो डीयू में पढ़ाते हैं, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनको लेकर जो कुछ हुआ उस मामले का विरोध करने के लिए हिंदू संगठनों ने एक हिंदू कॉलेज के बाहर एक प्रोटेस्ट रखा था उसके खिलाफ, और वहाँ उस इवेंट को कवर करने पहुँची निधि, और किस तरीके से उसके बाद इन्हें उन लोगों ने घेरने की कोशिश की, इनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, और इनके काम में एक महिला होने के बावजूद इनके साथ हाथापाई तक की गई, ये सब कुछ मैं बाकी इनसे ही जानने की कोशिश करूंगी। लेकिन उसके बाद किस तरीके से ये उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, लीगल एक्शन इन्होंने ले लिया है, क्योंकि आखिर कब तक लोग शांत बैठे और कब तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करें, और अगर वो बर्दाश्त करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उन्हें बढ़ावा देने जैसा कुछ होगा। तो निधि, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने जिक्र किया इंसिडेंट का, वही था कि आप वहाँ पहुँची और आपने रिपोर्ट करना शुरू किया, फिर उसके बाद बदसलूकी हुई आपके साथ, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले द जनता लाइव, जनता टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सेंसिटिव मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। पूरा मसला क्या था, रतनलाल सर प्रोफेसर डीयू के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं रतनलाल, उनके विरोध में कुछ संगी लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया था और वहाँ पर नारेबाजी हो रही थी इस तरीके की कि रतनलाल का खतना होगा, रतनलाल को बर्खास्त करो, रतनलाल से हिंदू कॉलेज के बाहर निकालो, उनका इनफेक्ट पुतला भी जलाया गया था, उसी को कवर करने के लिए हम पहुँचे थे, क्योंकि गोदी मीडिया तो हमारी खबर नहीं दिखाएगी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया बोला जाता है। तो हम सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते और कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से अपनी बात रखते हैं, इसलिए हमें लगा कि हमें ये खबर कवर करनी चाहिए। तो तभी शंभू कुमार सिंह रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्हीं का कैमरा मैं कर रही थी हैंडी, तो मेरा फ़ोन और देन DSLR उन्होंने पकड़ा और माइक ID को गिरा दिया, और फिर मैंने उनको रोकने की कोशिश की, इस तरीके से मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया, गिरेबान पकड़ लिया लड़के ने। ये आप देख सकते कि कॉलर पकड़ लेना, मेरे कपड़े फट जाते, कुछ भी इंसिडेंट हो जाता, जबकि ये मौजूदगी में हो रहा था, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में, वहाँ PCRs मौजूद थी, वहाँ महिला कॉन्स्टेबल मौजूद थी, वहाँ मॉरिश नगर के SHO मौजूद थे, सब प्रशासन वहाँ मौजूद था इनफैक्ट, और तब ये बदसलूकी कर रहे थे संगी गुंडे। फिर बाद में ये चीज़ें पता चली, जबकि वो संगी जो लोग थे वो उस कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं थे, और हमें सवाल किया जाता है, उस कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना था कि आप ये कवर नहीं कर सकती हैं, इस इंसिडेंट को कवर नहीं कर सकती, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप परमिशन दे सकते हैं सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने के लिए, आप परमिशन दे सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिग्निटी को एटीट्यूड के साथ जीने वाले प्रोफेसर के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए, लेकिन जब बात आती है संविधान के तरीके से बात करने पे, जब बात आती है राइट्स की, तो सबको मिर्ची लगती है। ये जो मेरे साथ हुआ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ, कॉलर पकड़ने के साथ साथ उन्होंने बहुत हाथ को झटका, यहाँ पे चोट भी स्क्रैचेस भी आए थे, जिसकी मेडिकल भी हुआ मेरा दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग मेडिकल हुआ, कंप्लेन दर्ज कराई मैंने, मॉरिश नगर थाने में कंप्लेन दर्ज हुई है, और अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। तो आपको हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा कि आप इस इवेंट को कवर नहीं कर सकती, लेकिन उस कॉलेज के बाहर वो उपद्रवी लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना था, स्ट्रिक्टली कहना था कि आप ये कवर नहीं कर सकते हैं, और बाहर हमने नज़ारा देखा वो कुछ और था, इनफेक्ट वो बच्चे कॉलेज के अंदर भी थे कुछ लोग,
जो प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे उसी को लेके हम लोगों ने कुछ सवाल जवाब किए जिससे उनकी भावना आहत हो गई। आजकल ना कुछ सच बोलने भर से ना लोगों की भावना बहुत आहत हो रही है, वही देश में चल रहा है। आप सच बोलेंगे भावना आहत होगी, आप गाय पे बात करेंगे भावना आहत होगी, आप सरकार से सवाल करेंगे अगर अधिकारों पे तो सरकार को मिर्ची बहुत लगती है, आलोचना से बहुत डर लगता है। अगर आप बहुजन समाज से पत्रकार हैं और बहुजन समाज से आती हैं महिला के तौर पे, तो ये तो कॉलर पकड़ के मेरे साथ बदसलूकी हुई। कल को मेरे साथ जो भी इंसिडेंट होता है, बलात्कार होता है या कपड़े फट जाते, इसके जिम्मेदार कौन होता? वो प्रशासन व्यवस्था जो वहाँ मौजूद थी या अमित शाह अमित शाह जिम्मेदार होते जिनकी प्रशासन के रहते हुए ये चीज़ें हो रही थी, या कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार होता कि उनके रिप्रेजेंट में बाहर से कुछ इस तरीके के लोग आते हैं और थार गाड़ी से आकर बदसलूकी करते हैं, महिला का गरेबान पकड़ लेते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता भी नहीं सकती ऑन कैमरा, क्योंकि जर्नलिज्म के भी कुछ एथिक्स होते हैं कि उन्होंने मुझे कैसे कैसे टच किया, मेरे ब्रेस्ट को टच किया उन्होंने, और फिर मुझे जब गुस्सा आया तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की, तो वो भागने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसे रोकने का लगातार प्रयास किया, जो सोशल मीडिया पे वीडियो एविडेंसेस है, वीडियो और एविडेंस अवेलेबल है, काफ़ी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से आप बहुजन समाज के अगर पत्रकार हैं तो आपके सरेआम कपड़े खोल लिए जाएंगे, आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, मैं पत्रकार बाद में पहले महिला हूँ और मुझे इसकी आज़ादी मेरा संविधान देता है कि कोई मेरा गिरेबान पकड़ेगा तो मैं उसका जवाब उसी भाषा में दूंगी। आप मुझे फूलन बनने पर मजबूर करेंगे तो मैं फूलन बन के दिखाऊंगी। और ये निधि जिस पूरी घटनाक्रम का जिक्र कर रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वहाँ पुलिस व्यवस्था मौजूद थी, महिला पुलिस अधिकारी मौजूद थे, और वो एरिया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदू कॉलेज द प्रेस्टिजियस वन, और उसके आसपास के एरिया सबसे ज़्यादा सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है, वहाँ पर सरेआम दिन दहाड़े अगर एक महिला पत्रकार के साथ इस तरीके की बदसलूकी हो सकती है, तो एक बार को कल्पना कीजिए कि जिस हिंदू राष्ट्र की बातें की जाती हैं उसमें महिलाओं की स्थिति क्या होगी। वहाँ एक महिला इस तरीके से जो स्वतंत्र है, अपनी आवाज़ रखती है और पत्रकारिता करती हैं, अगर आप सुरक्षित नहीं है तो आपको क्या लगता है निधि कि कल को अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया और जो लोग हिंदू राष्ट्र की वहाँ से वकालत कर रहे थे वो महिलाओं की कितनी इज्जत करेंगे? आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए, अभी संविधानिक डेमोक्रेसी कंट्री में महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी हो रही है, चंदौली का इंसिडेंट हो चाहे ललितपुर का इंसिडेंट हो, किस तरीके से, और अभी जो मनीषा वाल्मीकि का केस ठंडा भी नहीं हुआ था, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था, जीप काट दी गई थी, कल को मेरे साथ किसी भी तरीके की बदसलूकी होगी? हाँ, एक इनसिक्योरिटी है मुझे जान की, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन बिना किसी वजह से मरने ये नाइंसाफी है। किस तरीके से सिर्फ सवाल पूछने को लेकर लोगों की भावना आहत हो जा रही है, यहाँ पे आप सच नहीं बोल सकते, यहाँ पे आप डेमोक्रेटिक तरीके से बात नहीं कर सकते। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो हिंदू राष्ट्र अगर ये देश बन गया तो महिलाओं की तो छोड़ दीजिए, पुरुषों की भी हालत यहाँ पे बदतर होने वाली है। एक सवाल और आता है जहन में कि इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत आती कहाँ से है इन लोगों के अंदर? प्रशासन इनके साथ है, सरकार इनके साथ है, इनके खिलाफ FIR नहीं होता। सरकार प्रशासन को सोचना पड़ता है, प्रशासन ये पहले तय करता है कि कंप्लेन कराने वाला कौन सी कैटेगरी से आता है, वो शेड्यूल कास्ट है, वो OBC समाज से है, वो ट्राइबल है, तो उसकी कंप्लेंट पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। वही मेरे साथ हुआ, अगर मैं बहुजन समाज से आती हूँ तो इसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है, अगर मैं यही कोई अपर कास्ट से होती तो तमाम तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती, प्रोटेस्ट कॉल की जाती, लेकिन इस पर सब कोई खामोश है क्योंकि बहुजन समाज की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। जब एक मीडिया हाउस, बड़े मीडिया हाउस की पत्रकार का बॉयकॉट किया जाता है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है, तो शाम को डिबेट बिठाई जाती है कि एक महिला पत्रकार के साथ व्यवहार करने का ये कौन सा तरीका है। लेकिन अगर सरेआम किसी महिला पत्रकार का, बहुजन समाज की जो महिला पत्रकार है उनका गिरेबान पकड़ लिया जाता है तो इस पर कोई चर्चा भी नहीं होती, कोई चर्चा नहीं। तो आप देखेंगे तमाम न्यूज चैनल्स पे तमाम इस तरीके से सांप्रदायिक दंगे और भड़काऊ बयानबाजी होती है। मुझे कोई डर नहीं लग रहा, आप सुदर्शन चैनल की ही बात कर लीजिए, दिन रात बैठ के मूल्य काटे जाएंगे, राम राज्य बनाएंगे, अयोध्या हमारा है, हमारे बाप का है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अंजना ओमकर से मैं पर्टिकुलर नाम लेके कोट कर रही हूँ कि लोग किस तरीके से समाज को दूषित कर रहे हैं, समाज को, इस देश को खंडित कर रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र खतरे में, ना हिंदू मुसलमान खतरे में, ना इस देश में हिंदू राष्ट्र खतरे में, इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में, संविधान खतरे में, महिला खतरे में, क्योंकि कल को महिलाओं के साथ कुछ होता है, मेरे साथ कुछ होता है, आप खुद एक पत्रकार है, आपके साथ कुछ होता है, तो हमें एक यूनाइट होकर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि खामोश रहने से अच्छा है कुछ बोलकर मरा जाए।
बिल्कुल। और लीगल एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपने लीगल एक्शन इसको लेकर लिया है, FIR लॉन्च कराई है आपने मॉरिस नगर थाने में। जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मॉरिस नगर थाना है, मैंने वहाँ पे FIR दर्ज कराई है। हालांकि अभी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ना उनको अरेस्ट किया है। 5 दिन हो गए हैं, 23 तारीख की ये घटना थी 1 बजे के समय। वीडियो एविडेंस भी है, सब कुछ है, और वीडियो में बकायदा ये सब मौजूद है, कैप्चर हुआ है कि पहले उन्होंने शुरुआत की थी। और सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि शंभू जो है वो लड़की का इस्तेमाल कर रहा है, लड़की को आगे कर देता है, लड़की को एक कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है, संगियों के खिलाफ जहर उगल रहा है। तो मैं, ये लड़ाई मेरी है, शंभू की नहीं है। आप एक महिला का गिरेबान पकड़ेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आप सामने से आके इंडिविजुअल तरीके से मुझ पर हाथापाई करेंगे तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। मुझे पत्रकार के एथिक्स भी पता है, जर्नलिज्म के एथिक्स भी पता है कि पत्रकार को हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जब बात अपनी आबरू की हो, वहाँ मेरे कपड़े फट जाते हैं, बात मेरी आबरू की होगी तो मैं फूलन बनने पे ही मजबूर होंगी। कोई मेरे से लात की भाषा समझेगा तो मैं लात की भाषा ही समझाऊंगी। बहुत शुक्रिया निधि, और जिस तरीके से आप अपनी ये लड़ाई लड़ रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई, और जो आपने जज्बा दिखाया उसकी बहुत ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।